चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं यूपीपीसीएस और आरओ के एग्जाम के लिए। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, चेंज चैंपियन ऑफ द चेंज पुरस्कार ये किसको दिया गया है। चैंपियंस ऑफ द चेंज पुरस्कार 2019 का हेमंत सोरेन जी को, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। कृषि कर्मण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तमिलनाडु को। तिलहन के अच्छे उत्पादन के लिए दिया गया है इनको। गुलबेंकियन पुरस्कार किसको दिया गया, ग्रेटा थुनबर्ग को, ये स्वीडन की हैं। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलबेंकियन पुरस्कार, ग्रेटा थुनबर्ग जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हैं। तो कभी सुमेलित में आ जाए, ग्रेटा थुनबर्ग किससे रिलेटेड हैं, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हैं। किस देश के हैं, किस देश की हैं ग्रेटा थुनबर्ग, तो ये हैं स्वीडन की। आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसको दिया गया है। गिनियन डॉक्टर हैं मॉरिसाना कामेट और ग्रीस की हैं मारियाना पार्दिनाइनिस। तो मॉरिसाना और मारियाना इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। 29वां व्यास पुरस्कार किसको दिया गया है, नासिरा शर्मा, उपन्यास है कागज की नाव, इसके लिए दिया गया 29वें नंबर का व्यास पुरस्कार। तो व्यास पुरस्कार प्रदान कौन करता है, के बिरला फाउंडेशन। 28वां व्यास पुरस्कार 2018 का ये किसको दिया गया, लीलाधर जगुड़ी, जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, अस्थि और भवती आत्मकथा के लिए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्थि और भवती आत्मकथा के लिए। 29वां सरस्वती पुरस्कार, ये देखिए मूर्ति देवी वाला तो ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है, और सरस्वती पुरस्कार दिया गया है ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, ये तीनों दिए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये किसको, वासदेव मोही, सिंधी भाषा के लेखक हैं, लघु कथा संग्रह है इनकी चेक बुक, उसके लिए दिया गया है। ठीक है, तो आज के ये वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। इस समय जो आगामी जो एग्ज़ाम होने हैं यूपीपीसीएस और आरओ के लिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।